नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं समाचार इंडिया। दिल्ली से कुछ ऐसे केस सामने आ रहा है जिसे सुनकर सब हैरान हो जा रहे हैं। इसी बीच अब एक और खबर दिल्ली से सामने आई है, जहां दिल्ली में लूटपाट की शिकार हुई महिला को गंभीर रूप से आरोपियों ने घायल कर दिया है। बता दें कि बदमाशों ने कांच की बोतल से महिला की गर्दन और छाती पर कई बार वार किया। यह पूरा मामला दिल्ली के कश्मीरी गेट के आसपास का बताया जा रहा था। वहीं इस महिला ने काफी देर तक लोगों से भी मदद मांगी, लेकिन कोई भी बचाने नहीं आया। मीडिया रिपोर्ट की माने तो महिला का नाम प्रियंका देवी है, जो दिल्ली के समयपुर बदली इलाके में रहती है। और 8 और 9 जनवरी की दैनीय रात करीब 2 बजे प्रियंका जब ड्यूटी पर थी, तभी कार पर पत्थर मारा गया और शीशा भी तोड़ दिया गया और साथ ही उनके गर्दन और छाती पर वार किया गया। प्रियंका ने बताया कि उस रात में ISBT के पास एक कस्टमर को पिकअप करने जा रही थी। काफी कोहरा था, इसलिए मैं गाड़ी धीरे धीरे चला रही थी। प्रियंका लोकेशन से करीब 100 मीटर दूर थी। मेरी गाड़ी पर पत्थर से मारा गया, सिर पर भी चोट लगी और कांच के टुकड़े मेरे बॉडी पर लग गए। प्रियंका ने यह भी बताया कि दोनों ने मेरे फोन और पैसे छीन लिए, हिम्मत दिखाया और फोन वापस छीन लिया। कैब भी चुराना चाहते थे, लेकिन मैं चिल्लाने लगी, तभी मेरे गर्दन पर बियर के बोतल से हमला कर दिया गया। कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन कोई मदद के लिए सामने नहीं आया। पास के एक बस को देखकर आरोपी भाग गया। मैंने पुलिस को कॉल किया, पर कोई जवाब नहीं आया। प्रियंका ने आगे कहा कि सड़क पर कई कार और बाइक जा रहे थे, मैंने सबको रोका, सबसे मदद मांगी, पर किसी ने मदद नहीं किया। मैंने अपने गले को कपड़े से दबाया रखा ताकि खून ज्यादा ना बहे। पुलिस आधे घंटे बाद आई। अस्पताल पहुंचने तक मैं बेहोश हो गई थी और इलाज के तुरंत बाद परिवार वालों ने मुझे अपने घर ले गए। इसलिए अब मुझे शिकायत नहीं कि पुलिस मेरे घर पर बयान लेने क्यों नहीं आई। हालांकि प्रियंका जितनी बहादुरी से इस समस्या से लड़ी, वो काबिले तारीफ है। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए समाचार इंडिया। धन्यवाद।